शायद मैंने मुसलमानों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा है, शायद मैं पसमंदा औरतों को ज़्यादा किया है काम और उनके लिए बेनिफिट्स भी। मोदी भाई जब मुझे चुने थे एकमात्र यही सोच से चुने थे मुझे कि मुझे और मेरे मन में हिंदू और मुसलमान कोई फर्क नहीं। क्या कभी असदुद्दीन जी आके हमारे शिवालय में आकर बैठे क्या भजन में? मैं जाती हूँ, मैं मुसलमानों के घर जाती हूँ, मैं उनके त्योहारों में मैं दायित्व लेती हूँ, वहाँ पे मैं उनके साथ रहती हूँ, उनकी खुशी में मैं साथ देती हूँ, उनके गम में मैं साथ देती हूँ। अब ये बताइए कहाँ से हम लोग मुसलमान के विरोध हो गए? आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हैदराबाद की कंटेस्टेंट और बीजेपी से फायरी, निडर और बहुत 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 ब्रेव माधवी लता जी। माधवी लता जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप बीजेपी की हैदराबाद से कंटेस्टेंट हैं और आपके खिलाफ बहुत ही फेमस और कभी ना हारने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सबसे पहले तो पूछूंगी, पिछले महीने जब आपका नाम अनाउंस हुआ और वो भी ओवैसी साहब के खिलाफ, तो आपने क्या सोचा और क्या रणनीति बनाई? क्योंकि पिछले 4 दशकों से ओवैसी साहब और उनका परिवार कभी सीट से हारे नहीं है। आप ऐसा क्या करेंगी कि बीजेपी के लिए ये सीट जीत पाए? नविका जी, पहली बात तो ये है कि इतने सालों से जो सच को बाहर निकालने के मौके मुझे मैं ढूंढ रही थी, ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने बीजेपी पार्टी के तरफ से मोदी भाई के रूप में ये मौका दे दिया है ताकि उन सारे सच मैं बाहर निकालूं, इस देश के सामने रख सकूं। और दूसरी बात, वो जीतते आए हैं, मुख्तार अंसारी जी तो भी जीतते आए ना, तो बताइए क्या फ़र्क रहेगा दोनों में? ये लोग ऐसे ही करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लोगों को डराते हैं, बोगस वोट्स निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से वो लोग जीतते हैं। हमारे पास तकरीबन 2000 पोलिंग बूथ है, वहाँ में ऑलमोस्ट 1100 तक माइनॉरिटी बूथ्स है। कल मैं चंद्रायन गुट्टा, जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे पदयात्रा कर रही थी, तो वहाँ हमने एक बूथ को पकड़ लिया है जिस बूथ में लोग रहते हैं, घर के अंदर पोलिंग बूथ। सुनिए तो सही, आप कभी कभी कहाँ देखा ऐसा होते हुए? घर के अंदर पोलिंग बूथ, जिस घर में लोग निवास रहते हैं, वो घर का बाजू का घर MIM का कॉरपोरेटर का घर है। बताइए आप किस प्रकार से सच्ची और जस्टिस धर्मबद्ध पोलिंग हो सकता है? ऐसा पोलिंग से तो कोई भी जीत सकता है जी। अब ये सब हम बाहर निकाल रहे हैं ना, तो अब की बार देखते हैं कौन सी बड़ी जीत हासिल करेंगे वो भी। तो माधवी लता जी, लोग तो कहते हैं, विपक्ष सारा कहता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से अफिलिएटेड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के होते हुए अगर एक बूथ AIMIM के कॉरपोरेटर के घर से चल रहा है, तो इसके लिए दोष किसका है? दोष फिर भी यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि स्टेट में जब किसी भी स्टेट में इलेक्शन कमीशन तैनात होता है, दे विल नॉट हैव कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ पीपल। अब बताइए तो स्टेट के ऊपर इतना फंड्स क्यों न्योछावर करना चाहिए? पूरा स्टेट उनको इलेक्शन टाइम के टाइम पर अपने स्टाफ को देना पड़ता है, विच इज अ ओपन फैक्ट। इलेक्शन कमीशन भी स्टेट का स्टाफ पे ही डिपेंड होना पड़ता है ना नाविका जी। सो एवरी टाइम देर इज अ कंप्लेंट लॉज्ड, जब भी एक कंप्लेंट जाता है स्टेट में है, सो इलेक्शन कमीशन को, वो फिर उसे GHMC के तरफ पे तो डाइवर्ट करते हैं। अब मैं ये बताती हूँ आपको, जब हम जाते हैं ये कहने के लिए साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि 1000 या 1100 का माइनॉरिटी बूथ में जहाँ पे गफला हो रहा है, हम उसका रिपोर्ट बनाकर उनको दे, तो उनका स्टाफ क्या कर रहे हैं बताइए आप? हम इलेक्शन का काम करें, अपना योजनाओं का काम करें, या हम उनका काम करें जिसका काम है पोलिंग बूथों का इंफॉर्मेशन ढूंढना?
जिनका काम है कौन से बोगस वोट्स वहां पे चल रहे, उनका काम है ना जी कि एपिक नंबर पर दो दो लोगों का जब नेम नाम बाहर आ रहे उनको सेंटर बनाना है, उनको कंप्यूटर्स के सामने लोगों को बिठाना है, जीएचएमसी को ये काम करना है। बार बार वो लोग हमसे क्यों पूछते हैं, आप इंफॉर्मेशन दो, आप इंफॉर्मेशन दो। तो हमारा यही काम है कि लोगों को इकट्ठा करें पार्टी से, हम उनका पोषण करें, हम भी जाएं कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है, कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है। हम क्या काम करें बताइए आप, हम इलेक्शन का कैंपेनिंग का काम करें या इनका काम करें? इनका जिम्मेदारी नहीं है जब रिपीटेडली हम इतनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर रहे हैं? माधवी लता जी, पहले बीआरएस की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है, क्या आपका कहना है कि दोनों के दोनों ओवैसी साहब की पार्टी के साथ मिले हुए हैं? ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है नाविका जी, देव ओपनली एक्सेप्टिंग दिस ना। अरे अगर ये अंदर का मामला होता, जैसे कि हमारे ऊपर ये लोग कहते हैं ना बी टीम, जहां पे कोई प्रूफ तक नहीं है, इनका तो बाहर ही बाहर प्रूफ है ना जी। वो लोग तो ओपन डिक्लेयर करिए, जब बीआरएस एएमआईएम ओपन ही कुल्लम खुल्ला खुलासे में बात करिए, लोग हम तो मिलके काम कर रहे हैं, हम मिलके पार्टनर्स हैं, हम मामू बांझे हैं, और वो लोग सारे काम मिलकर ही तो किए थे ना। और कांग्रेस तो कंप्लीटली ओपन डिक्लेयर हो गया, वो तो ये कौन सी बड़ी बात है। और अभी कांग्रेस से तो वो और भी ओपन है, बताइए तो सही, आज तक उम्मीदवार हमारे कॉन्स्टिट्यूंस में क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ? क्योंकि वो ये सोच रहे कि किस प्रकार से कांग्रेस एएमआईएम का वोट्स बढ़ा है, किस प्रकार से इधर डम्मी कैंडिडेट को बिठा रहा है, या हिंदू वोट्स का किस प्रकार से वो लोग तोड़े। तो क्या है उनका इंटरेस्ट वहां पर कि एएमआईएम को डायरेक्ट सपोर्ट करे? कोई कर सकता है वैसा? माधवी लता जी, मतलब जब से आपका नाम सामने आया है, तो आपने कहा कि अब मैं आ गई हूं तो ओवैसी साहब को दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी ओवैसी साहब को? वो तो कह रहे हैं उनकी लाइफ को थ्रेट है। वो लाइफ थ्रेटन कहां से लेके आ रही इंफॉर्मेशन? सोशल मीडिया से। मेरा सोशल मीडिया तो भरा पड़ा हुआ है, ऐसे थ्रेट से भरा पड़ा हुआ है नाविका जी। सोशल मीडिया में तो जो मन में आते बोलते रहते। अरे मेरे सोशल मीडिया में तो उनके तैनात के लोग होंगे जो मेरे हॉस्पिटल तक धमकी देते हैं कि इनके हॉस्पिटल पे ये करेंगे वो करेंगे, मत जाना इनके हॉस्पिटल को, ये लेडी ऐसी है वैसी है, देख लेंगे इनका, आके तो देखो हमारे इलाकों में। हमने तो कभी इनके बारे में बात नहीं की। जो साहबजादे जी, जो असाउद्दीन जी मुख्तार अंसारी से दोस्ती कर सकते हैं, आईएसआईएस से दोस्ती कर सकते हैं, जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड के सच्चाई बाहर निकालते हैं, सियासत के न्यूज़ और पेपर के जर्नलिस्ट पे खुल्लम खुल्ला वो लोग मार सकते हैं, पीट सकते हैं, अब बताइए साहब उसके ऊपर कोई क्या कर सकता है? सोशल मीडिया के बेसिस पे बोल रहे हो ना धमकी वाली बात? ये तो मेरे उम्मीद से तो बहुत नीचे गिर गया असदुद्दीन जी। मैं सोची ये तो काफी दिलेर इंसान है, काफी गट इंसान है। एक स्त्री होकर मैंने आज तक कभी सोशल मीडिया के धमकियों के बारे में बात नहीं किया। सोशल मीडिया का क्या है जी, तब तो उनसे भी कहीं दुगना मुझे आ रहे हैं। माधवी लता जी, आपको फायर ब्रांड लीडर कहा मतलब जाता वाली है। बात नहीं, आपको फायर ब्रांड लीडर कहा जाता है, और वहां हैदराबाद में भाईजान भी फायर ब्रांड लीडर हैं, बल्कि वो असदुद्दीन ओवैसी जी खुद नहीं, उनके फायर ब्रांड छोटे भाई भी हैं, जिनकी एक तकरीर बहुत फेमस हुई थी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अब आप इन दोनों के खिलाफ कैसे लड़ेंगी? इन दोनों के खिलाफ इसलिए मैं लड़ सकती हूँ क्योंकि ये लोगों का हिम्मत है झूठ, ये लोगों का हिम्मत है लोगों को दर्द पहुंचाना, ये लोगों का हिम्मत है मजहब को गाली देना, ये लोगों का हिम्मत है लोगों को बांटना, ये लोगों को हिम्मत है गरीब को और गरीबी में ढकेल देना। अगर ये हिम्मत से वो लोग राजनीति को चला सकते हैं
तो क्या हम सच्चाई से राजनीति नहीं चला सकते नाविका जी? हम तो कभी किसी मजहब के बारे में गलत बात नहीं करते, हम किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाते, हम गरीबों के साथ काम करते हैं। आज हम पॉलिटिक्स में आए जी, तो 20 साल से तो हम उसी गरीबों के साथ हैं ना। हम उनको खाना बांट रहे, उनका रेशन बांट रहे, उनको हेल्थ फ्री में दे रहे, 1008 नॉर्मल डिलीवरीज पसमंदा मुसलमान औरतों के लिए कर रहे हैं। मोदी भाई जो योजना लेके आए, उनको लोगों के बीच में लेके जाने के लिए हम बेहद कोशिश कर रहे हैं। हमको इस झूठ की सहारा नहीं चाहिए। अगर झूठ के सहारे पर कोई जीत सकता है तो सच के सहारे पे और कितना जीत हो सकती। माधवी लता जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हिजाब का मुद्दा ओवैसी जी बहुत उठाते हैं, हिजाब पर और हिजाब इनसाइड क्लासरूम पर आपका क्या विचार है? देखिए, यहाँ पे मुद्दा दो इश्यूज पे है। एक आर्टिकल 30 के हिसाब से, आर्टिकल 30 आप जानते हैं कि माइनॉरिटी उनसे के लिए दिया गया है, स्पेसिफिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे एक प्रकार का छूट दिए उन्होंने, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे, जैसे कि हम सिख भाई को देखते हैं, पगड़ी रहता है, जो पांच वो लोग पहनते हैं, उनका माइनॉरिटी का रिक्वायरमेंट है। जो हिंदू बेचारा स्कूल रखता है तो मजहब का पढ़ाई नहीं करा सकता, वो वहाँ पे एक यूनिफॉर्म सेट करके सारे देशवासी एक ही प्रकार आने का रहता है। वहाँ के आप टांगड़ आते हो वहाँ पर, आप बताइए क्या मतलब है? और ऊपर से यू नो बैरिस्टर पढ़ चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के ये तो PhD लिए कहते हैं लोग, ये है क्यों? इनके बात जो मुसलमान सुनता है वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है, वो राज्यांग नहीं समझता है, वो तो बहुत ही इनोसेंट रहता है बेचारा। उसको समझ भी नहीं आता है कि राज्यांग मुझे इतना हक दिए हैं। कौन पुस्तक पढ़ के स्पीचेस सुनेंगे बताइए नाविका जी? ये जो बोले वही बड़ी बात हो गई। ये मुद्दा गलत है, ये मुद्दा बहुत गलत है। ये लोगों में गलत मैसेज भी जा रहे हैं, गलत संदेशा भी जा रहे हैं, भड़का रहे लड़कियों को। मैं इसका आपको उदाहरण भी देती हूं। मैं कॉलेज के नाम लेना नहीं चाह रही। जब प्रधानमंत्री जी वुमेन्स डे का घोषणा करिए थे, तो मैं स्वयं एक लोकसभा पार्लियामेंट के असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने पूरे मुसलमान बच्चियों को एकत्रित करे थे हिजाब से, प्रधानमंत्री जी का मैसेज सुनने के लिए। तब वो बच्चे मुझसे यही सवाल करे थे जो आप करें मुझसे, जब प्रधानमंत्री इतने अच्छे हैं तो क्यों हमको हिजाब पहनने से मना करते, जो क्यों हम स्कूल्स में हिजाब नहीं पहन सकते? तब मैंने कहा आर्टिकल 30 समझाई। पता है वो लोग क्या करे कहे मुझसे? हमको तो इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तब तो ये सही है, जब हमको आर्टिकल दिया गया है 30, तो मद्रासों में हिजाब पहन के जाना चाहिए और वहां सुकून से पढ़ना चाहिए। उनको उनका सोच विचार को ये खराब कर रहे हैं, उनके सोच विचार को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ओवैसी साहब कहते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं, और वो बताते हैं कि चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, 8% से ज्यादा मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट कभी नहीं किया। तो एक तरफ ओवैसी जी हैं, एक तरफ बीजेपी की कैंडिडेट आप हैं, दोनों के ऊपर इल्जाम यही है, वो हिंदू विरोधी हैं, आप मुस्लिम विरोधी हैं। क्या जवाब देंगे जो लोग ये कहते हैं उन? नाविका जी, आपने कभी मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट के वेबसाइट्स आपने देखे हैं? तो प्लीज कृपया करके मेरे लिए 2 मिनट का तकलीफ उठाकर मेरे वेबसाइट्स ढूंढिए। 20 सालों से शायद मैंने मुसलमानों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा है, शायद मैं पसमंदा औरतों को ज्यादा किया है काम और उनके लिए बेनिफिट्स भी। मोदी भाई जब मुझे चुने थे, एकमात्र यही सोच से चुने थे मुझे कि मुझे और मेरे मन में हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। ये तो ओपन ओपन इंफॉर्मेशन है, खुला इंफॉर्मेशन है। परसों भी मैं रमजान को अपने शिया भाइयों के साथ हजरत अली जी की जयंती पे मनाने में गई थी। मैं आज भी इफ्तार पार्टी में जा रही हूँ। क्या कभी असदुद्दीन जी आके हमारे शिवालय में आकर बैठे क्या भजन में? मैं जाती हूँ।
मैं मुसलमानों के घर जाती हूँ, मैं उनके त्योहारों में मैं दायित्व लेती हूँ, वहाँ पे मैं उनके साथ रहती हूँ, उनकी खुशी में मैं साथ देती हूँ, उनके गम में मैं साथ देती हूँ। अब ये बताइए कहाँ से हम लोग मुसलमान के विरोध हो गए? कभी हमने किसी भी समय पे, मेरे पूरे पिछले सारे वीडियोस को आप जांच करिए, एक बार भी मैं मुसलमानों के प्रति एक गलत शब्द निकाला? हालांकि अगर आप मेरे वीडियोस ढूंढेंगे तो मैं यही कहती हूँ, इस्लाम एक प्यारा मजहब है, और ये आज नहीं बात करी हूँ मैं, एक 1.5 साल पहले ही बोल चुकी हूँ मैं ये बात। कभी कहा है उन्होंने राम पे गाली देते हैं, कौसल्या मैया के ऊपर असदुद्दीन जी और उनके भाई गाली देते हैं, अयोध्या पे गाली देते हैं, बतकम्मा हमारे यहाँ का फेस्टिवल है नाविका जी, कितना गंदा गाली देते हैं, बोलते हैं घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। कोई ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में एक प्रशासन के अधिनेता ऐसा बात कर सकते हैं? बताइए, हमारा भाग्यलक्ष्मी मंदिर जो चार मीनार में है, जितना मानते हैं, कितने गंदे बातें करते हो हम माता रानी के बारे में, वो मेरे घर में आके बर्तन मांजेगी, और ये है बेस्ट पार्लियामेंटेरियन? ये है नाविका जी जो इस देश में दूसरे मजहब के बारे में एक अच्छे सोच विचार नहीं रख सकते? अरे आपके मन में है तो है, बाहर तो नहीं कहना चाहिए ना, तो आप किसको तसल्ली दे रहे हैं? उन चंद मुसलमानों के लिए जिसको आप खराब करके रख चुके हैं, जिसको लगता है आप हीरो हैं, केवल हिंदुओं को गाली देने से, हिंदू भगवान को गाली देने से, हमारा देवी देवताओं का अपमान करने से, और आप हिंदुओं को भड़काना चाहते हैं, और ताकि ये हिंदू इनके स्पीचेस के वजह से मुसलमानों के ऊपर नफरत पैदा करें? ऐसा होता है कोई राजनीतिक ऐसा होना चाहिए? अरे अगर आप इलेक्शन जीतना चाहते हो, दो कौम को, दो मजहब को साथ लेकर चलिए ना, हम भी खुश हो जाएंगे, हम भी समझेंगे क्या वह मुसलमान भाई है हमारा देश में भी, हम साथ देंगे आपको। ये क्या है भाई, ये तोड़ के आगे बढ़ने का क्या मतलब है? कब तक चलेगा नाविका जी? आप मेरा एक भी स्पीच लीजिए, उतना ही क्यों, अब मोदी भाई का स्पीच लीजिए, आप टाइप करके देखिए मोदी भाई का स्पीच ऑन इस्लाम, कितना प्यारा स्पीच दिया उन्होंने। अरे उनके जबान से वो उर रहमान रहीम इतने बढ़िया कहे उन्होंने। अरे हमने कभी कोई मजहब से किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, हम सम्मान करते हैं इस्लाम का, हम सम्मान करते हैं सिख गुरुओं का, सम्मान करते हैं जैन गुरुओं का, सम्मान करते हैं सारे माइनॉरिटी का, सम्मान करते हैं, और आप गाली देते हो तो इसका मतलब है आप जिन्ना हो यहां कर, कि सिर्फ आप मुसलमानों के बारे में ही बात करते हो, और वो भी इनकी तरक्की के लिए नहीं, उनको भड़काने के लिए हिंदू मजहब के गाली देते हुए। अगर आप सही मुसलमान होते ना नाविका जी, असदुद्दीन जी प्रशंसा करते जिस दिन मोदी जी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को निकाले, ताली बजाते प्रधानमंत्री के लिए, वो है एक सच्चा धर्म भद्दे इंसान। प्रधानमंत्री जी के योजनाएं जितने भी अमल में आए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री स्वावलंबन, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, आप स्वयं अपने टीम को भी जाइए और पता लगाइए हैदराबाद ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में माइनॉरिटीज के एरिया में हमको कितने घुसने दिए और करने दिए ये काम, नहीं करने देते हैं, नहीं करने देते हैं। और जितने भी फंड प्रधानमंत्री जी से मिलता है, यहाँ का बीआरएस गवर्नमेंट जब था तो वो लोग हड़प लेते हैं, अपना नाम रख लेते हैं और अपने नाम से आगे लेके जाते हैं, और जो स्टेट के भी फंड्स निकलते हैं ना, वो भी अपने ही लोगों में बांट लेते हैं। गरीब को कहाँ मिल रहा है जी, कुछ नहीं मिलता वहां पे। ये सच्चाई जो मैं अभी बाहर निकल लेके आ रही हूं ना, उनको खटक रहा है, उनको खटक रहा है सच्चाई से। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको सराहा है, जिस तरह से आप अपनी बात रखती हैं, प्रधानमंत्री ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप जब मिलती हैं, आपसे उन्होंने क्या कहा, आपने उनसे क्या कहा? वो मुझे सिर्फ एक बार मिले थे, वो भी मुझे
ये नॉमिनेट करने के बाद, हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को नॉमिनेट करने के बाद, वो जब मल्का जी गिरी, जो हमारे और एक लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तब मैं तो सिर्फ उनसे एक 20-25 सेकंड के लिए मिली थी। तो बस मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा है, प्रधानमंत्री जी अब की बार हैदराबाद हमारा है। उससे ज्यादा तो मुझे टाइम नहीं मिला प्रधानमंत्री जी से मिलने, जो एक आम इंसान को जितना मिलता है मुझे भी उतना ही मिला है। उन्होंने आपके बारे में ट्वीट किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे आंख में तो आंसू आ गए थे कि प्रधानमंत्री जी इतना इंकरेज कर सकते हैं किसी को सच बोलने पर, धर्म के पथ चलने पर, तो वो कितने स्वयं धर्मबद्ध इंसान होंगे। क्योंकि एक सच्चाई को तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए। जिस हिम्मत से मैं आई सच्चाई का पर्दाफाश करने, जिस झूठ पर 40 साल का इलेक्शंस जीत रहे थे उसको बाहर निकालने के लिए मैं जब सामने आई, उसको तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री एक लोकसभा पार्लियामेंट के उम्मीदवार को तारीफ नहीं कर रहे थे, एक महिला जो हिम्मत कर कर सच्चाई को बाहर लेके आ रहे थे उनको तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। और उस प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे मुझे इतना भरोसा है ये देश एकता से आगे बढ़ेगी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.